नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर की भवरकुआ पुलिस ने एग्रीकल्चर की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली खाद बनाने वाले कारखाने पर दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मौके से करीब 400 बोरी नकली खाद की बरामद की है। दरअसल इंदौर की भवरकुआ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि न्यू आरटीओ के पीछे बनी बस्ती में नकली खाद बनाने का कारखाना संचालित किया जा रहा है, जिस पर भवरकुआ पुलिस ने एग्रीकल्चर की टीम के साथ मिलकर दबिश दी तो मौके पर पाया गया कि इफको कंपनी की डीएपी की नकली खाद बनाई जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके से नकली डीएपी की छपाई वाली करीब 400 बोरियां, उनमें प्रॉम नामक खाद बोरियों में भरा जा रहा था। वहीं मौके से पुलिस ने नकली खाद का कारखाना संचालित करने वाले सचिन कटारिया, राजेंद्र बिरथरे को गिरफ्तार किया गया था। वहीं एग्रीकल्चर विभाग की टीम आने के बाद कीटनाशक अधिनियम, फर्टिलाइजर अधिनियम 420 धारा सहित नकली बोरियों पर छपाई करने और बनाने पर भी कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं पूरे मामले में सचिन कटारिया, प्रहलाद गुर्जर, राजेंद्र बिरथरे सहित परवस सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पूरे मामले में आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि राजस्थान, यूपी सहित छत्तीसगढ़ में नकली खाद सप्लाई करते थे। इसी के साथ राजेश सुहाने सहित अन्य आरोपी अभी फरार है, जिनकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। भवरकुआ थाना क्षेत्र के जो आरटीओ, न्यू आरटीओ के पीछे का जो बस्ती है पालदा क्षेत्र में, वहाँ पर मुखबिर ने सूचना दी थी थाने पर कि सचिन कटारिया और उसके जो कई साथी हैं वो लगातार इफको कंपनी की जो डीएपी खाद है उसको नकली तौर पर वहाँ पर बना रहे हैं और वहाँ पर अगर दबिश दी जाए तो वो पकड़ में आ सकते हैं। सूचना की तस्दीक कराने पर सूचना सही पाई गई और वहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो एनफोर्समेंट वाले जो टीम है उनको बुला करके और साथ में रेड की गई, तब वहाँ पर डीएपी की जो नकली छपाई वाली बोरियाँ हैं वो बोरियाँ और उन बोरियों में जो प्रोम करके एक कमज़ोर किस्म का खाद रहता है उसको भरा जा रहा था। उस दौरान सचिन कटारिया और इनको राजेंद्र बिरथरे, दो व्यक्तियों को वहाँ पर पकड़ा गया था और एग्रीकल्चर विभाग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर अनेक धाराओं में कीटनाशक अधिनियम और फर्टिलाइजर अधिनियम धारा 420 और नकली बोरियों को छपाई करने और बनाने के सिलसिले में धारा 467, 468 और आईपीसी का प्रकरण यहां पर थाने पर विवेचना में है। विवेचना के दौरान सचिन कटारिया, राजू बिरथरे और प्रहलाद गुर्जर और पर्वत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजेश सुहाने और अन्य कुछ आरोपी अभी फिलहाल फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। अभी पर्वत सिंह इसमें काफ़ी मास्टरमाइंड व्यक्ति है जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड, इसको राजस्थान से गिरफ्तार किया है पर्वत सिंह को और काफ़ी चालाक है और इसका नेटवर्क जहाँ जहाँ भी है नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड को लेकर के, उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी आरोपी हैं उनको बढ़ा करके आगे बढ़ा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।